सोता बंधो। उस समय उस कटे हुए शीश ने जवाब क्या दिया भगवान को, ये जो कट गया था उस दिन सर बबरी का, वो आज भी पूजा होती है उसकी खाटू वाले श्याम के नाम से, हाँ। राजस्थान। कैसे सर बोला क्या है? अरे मोती बनी की भिखारी दान में मोकू समारोह करन को भारी चाहूं, मोकू समारोह करन को भारी चाहूं, मोकू समारोह करन को भारी चाहूं। अरे मेरे पेट पर कटे हुए सर में अपनी दिव्य शक्ति दी है और कह दिया कि तुम समर देखने आए हो, तो समर देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। श्रोता बंधु, एक छौकर के पेड़ पर वो कटा हुआ सर टंगवा दिया है, वहां से केवल लड़ाई देखता रहा। एक यही महारथी था कि अगर चाहता तो एक पल में दोनों दलों को नष्ट कर सकता था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस बर्बरीक जैसे महारथी का गुरु कौन था? वो गुरु थी उसकी मां। उसकी मां हिडम्मा ने जैसे घटोत्कच को पढ़ाया था, ऐसे ही बर्बरीक को उसकी मां मौरवी ने पढ़ाया था। तो महतारी के डबल आशीर्वाद रहा, विद्या ग्रहण करवाती रही और आशीर्वाद देती रही। श्रोता बंधु, जिस समय ये महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो गंगा पुत्र भीष्म ने कह दिया कि मैं दुर्योधन पांडवों में से एक को भी नहीं मारूंगा, लेकिन 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, लेकिन 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। दुर्योधन को तो खुशी को ठिकानो नहीं रहो कि पांचों के तो निरेजने हम पे, हाँ। पर वो पागल ये नहीं समझता था, अहंकारी, कि जहां धर्म रहता है वहीं कृष्ण रहता है, और जहां कृष्ण रहता है वहां पर विजय होती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। श्रोता बंधु, ये लड़ाई महाभारत के मैदान की 18 दिन चली, 18 दिन। जो भी बेटियां कलशवल ने हेलो हेलो कलश भरने वाली बेटियां ध्यान से सुने, संध्या के समय सूर छिपे अपने अपने कलश के पास, एक एक आटे का दीपक बना के लाएं, घी का जलाएं, और सुबह 4 बजे के बाद स्नान करके अपने अपने कलश में एक एक लोटा जल छोड़ें, हवन कुंड के परिक्रमा करें। यज्ञपति परीक्षित जी, कलश वाली कन्या जिसका भी भाव हो, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 1 से 8, खाली हाथ परिक्रमा नहीं दें, थाली रख लें बीच में, जौ के दाने ले लें, चना ले लें, टॉफी ले लें, बिस्कुट ले लें, कुछ भी ले लें, एक चक्कर पे एक डाल लें, हाँ।
परिक्रमा करने और 7 बजे से हवन शुरू होगा। हवन में सब जरूर भाग लें और परीक्षित और यज्ञपति ये दोनों लोग कथा पंडाल में ही सोएंगे, रात को घर नहीं जाओगे। हाँ परीक्षित जी को तो काम सही है, तो तक तो दोनों ही जगह भागवत को मंचु देखत रहेंगे, बीच में तो घर होगा देख रहेंगे और जिते और देवता सो सब नहीं सोंगे। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुने, बड़े सौभाग्य की बात है कि अपनी जन्मभूमि को याद करके माता जी के कुमार साहब यहाँ भागवत करवा रहे हैं। ऐसी संतान अब तो लाखों में एक आदि मिल पाती है, उन्हें फिर तो विदेश में जाके और फोन कर देते हैं माता जी टाइम नहीं मिल पाया, हम तो शादी कर लिए यहीं। और आपके पास देखो थोड़े बहुत दिन में बहू को लाएंगे ये और कह देते हैं, तुम्हें बुलाने का समय और बताने का मिल नहीं पाया हमें, ऐसी औलाद ज्यादा है इस समय। तो सभी प्रेम से भगवान के नाम का एक भजन बोलेंगे और समय ध्यान रखें, कल से श्रीमद् भागवत कथा का समय है 12 बजे से 5 बजे तक। अरे बनियो श्याम नगीना बहनी नथुनी में जड़ाई लेती सखीरी नथुनी में जड़ाई लेती बनो कन्हैया नगीना बहनी नथुनी में जड़ाई लेती सखी नथुनी में जड़ाई लेती अरे बनो कन्हैया नगीना बहनी नथुनी धुनी में जड़ाई लेती सखी धुनी में जड़ाई लेती अरे सासु को प्यारो री बहनी जी तो ससुर को प्यारो री सासु को प्यारो री बहनी जी ससुर को प्यारो री अरे पकड़ी डोले हाथ सखीरी जी तो लेती नथुनी में जड़ाई लेती अरे पकड़ डोले हाथ बहन नथुनी में जड़ाई लेती सखी नथुनी में जड़ाई लेती अरे बनो समरिया नगीना बहन नथुनी में जड़ाई लेती सखी नथुनी में जड़ाई लेती अरे बनो गोपिन को प्यारो री बहनी ग्वालन को प्यारो री गोपिन को प्यारो री बहनी ग्वालन को प्यारो री जी तो पकड़ी डोले हाथ सखरी नथुनी में चढ़ाई लेती बहनी नथुनी में चढ़ाई लेती अरे पकड़े बहने नथुनी में जड़ाए लेती सगीरी नथुनी में जड़ाए लेती कैसे अली गई बैरिनी नीवरिया बिना पवन या टी के कैसे अली गई बैरिनी नीवरिया बिना पवन या टी के बोली गोविंद भगवान की सभी आरती करी तुम्हारी यशोदा के मोरारी चढ़ कमल बलिया सब देवन
सब लाती उधर में मारी मथुरा में तूने जन्म लियो है, मथुरा में तूने जन्म लियो है, गोकुल में हरि खेल कियो है, गोकुल में हरि खेल कियो है, तेरी लीला पे बलिहारी यशोदा के मुरारी, लीला पे एक दिन यमुना तटियायो, एक दिन यमुना तटियायो, आई गेंद को खेल रचायो, आई गेंद को खेल रचायो, काली देह में तब दसियायो, काली देह में तब दसियायो, तब नाथ शरण सुदा के मोरारी, सुदा के मोरारी, आरती करी तुम्हारी सुदा के मोरारी, आरती करी तुम्हारी सुदा के मोरारी, स्वामी बैठी गरुड़ पे आइयो, स्वामी बैठी गरुड़ पे आइयो, सब सोता जल तुम्हें मनावे, नाम तुम्हारे को दीप जलावे, प्यारे नाम का दीप जलावे, अब हाथी उठाई लई थारी यशोदा के मुरारी, यशोदा के मुरारी, हाथी उठाई लई थारी यशोदा के मुरारी, यशोदा के सतगुरु भगवान की, कन्हैया लाल की, सिया बलराम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शिव शंकर माँ पार्वती की, धरती माता की, वस्ती माता की, गंगे मैया की, लक्ष्मी मैया की, विष्णु भगवान की, संत समाज की, यज्ञपति परिचित महाराज की, उनके जोड़ीदारों की, कलश भरने वाली कन्याओं की, सभी वर देवताओं की, नगर वासियों की, क्षेत्र वासियों की, छोटे छोटे लली ललन की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में वेश का, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। शिव शिव मोह कैलाशपति परिचित महाराज आरती कथा।